हे वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो कंपेयर के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कंपैरिजन लेके आए हैं पुरानी स्विफ्ट का नई स्विफ्ट 2024 वेरिएंट के साथ, और देखेंगे क्या पुरानी स्विफ्ट ज़्यादा बेहतर डील देती थी या फिर ये नई स्विफ्ट, आखिर क्या क्या चेंजेस आए हैं इस नई मॉडल में, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो आपको मेजर डिज़ाइन डिफरेंस दोनों गाड़ियों के देखने को मिलता है वो है फ्रंट अप्रोच का। जी हाँ दोस्तों, जो फ्रंट का व्यू है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। जो यहाँ पे बोनट का लाइनिंग होता है, बोनट हुड होता है जहाँ से बोनट खुलता है, ये अब और ऊपर चला गया है और ग्रिल बिल्कुल प्लेन हो गया है, जिस वजह से इसका आप फेसलिफ्ट वेरिएंट भी से कह सकते हैं। और फ्रंट के जो हेडलैम्प्स होते हैं इसमें एलईडी डीआरएस देखने को मिल जाते हैं। वहीं बात करूँ साइड प्रोफाइल और बैक प्रोफाइल की तो ये बिल्कुल सेम है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं नजर आएंगे। लेकिन हम ओवरऑल डायमेंशन की अगर बात करूँगा तो देखिए यहाँ पर 15 mm ज़्यादा लंबी हो गई है नई वाली स्विफ्ट, हालांकि चौड़ाई दोनों का बिल्कुल सेम है, और यहाँ पे ऊंचाई के मामले में 10 mm ऊंचाई घटा दी गई है नई स्विफ्ट की। तो यहाँ पर डिफरेंसेस की बात करें तो बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। लंबाई के मामले में स्विफ्ट 15 mm अब ज्यादा लंबी आ गई है। बूट स्पेस आपको पुरानी वाली स्विफ्ट में 268 लीटर का और नई स्विफ्ट में 265 लीटर का आता है, तो यहाँ पर जो बूट स्पेस है वो लगभग दोनों का सेम ही आने वाला है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दोनों की इंजन्स की, तो इंजन्स में मैं बात करूं तो जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। जहां पे पुरानी वाली स्विफ्ट में आपको देखने को मिलता था 1200 सीसी का K12 सीरीज का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि पावर जनरेट करता था 88 bhp का विद टॉर्क ऑफ 113 Nm टॉर्क, वहीं जो नई वाली स्विफ्ट है इसके अंदर देखने को मिलता है 1200 सीसी का Z12E3 सिलेंडर इंजन। जी हाँ दोस्तों, एक सिलेंडर को इस नए वाले स्विफ्ट में घटा दिया गया है, और ये क्यों घटाया गया आपको समझ आ जाएगा। अभी यहाँ पे जो पावर है वो भी कम हो चुकी है। नई स्विफ्ट 80 bhp का पावर जनरेट करती है विद टॉर्क ऑफ 111 Nm टॉर्क, तो 8 bhp का कम पावर यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। हालांकि मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ही गाड़ियों में उपलब्ध है। बात करेंगे यहाँ पर क्यों घटी है यहाँ पे सिलेंडर, तो अब आपको समझ आएगा। जो पुरानी वाली स्विफ्ट थी ये आपको माइलेज पेट्रोल पे 22 का और सीएनजी पे 30 का दे सकती थी, वहीं अगर हम बात करें जो नई स्विफ्ट है ये 22 आप पेट्रोल पे देती है करीबन 24.8 की एम्पियर का माइलेज, और ऑटोमेटिक पेट्रोल पे देती है 25.75 की एम्पियर का माइलेज, मतलब कि 3 किलोमीटर की माइलेज एक्स्ट्रा मिल रही है आपको अब नई वाली स्विफ्ट में। इतना ही नहीं, पुरानी स्विफ्ट में सीएनजी पे 30 का माइलेज आता था, लेकिन जो अब जो नई वाली स्विफ्ट आने वाली है यहाँ पर इसका जो सीएनजी मॉडल जो आएगा यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि ये 34-35 तक का माइलेज निकाल सकती है ऑन सीएनजी, तो एक धाकड़ लग्जरी हैचबैक बिल्कुल आपके बाइक वाले मजे पे ये दे रही है। तो यहाँ पे जो सिलेंडर की कटिंग की गई है उसके पीछे साफ रीजन नजर आता है कि इसकी हाई माइलेज होने का है, और माइलेज अब सच में बहुत ज्यादा हो चुकी है स्विफ्ट की। यहाँ पे मैं इंटीरियर्स की बात करूँ तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा चेंज आता है। यहाँ पर जो आप ओल्ड वाला इंटीरियर देख पा रहे हो इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आता था, एंड्रॉयड एप्पल नेविगेशन, 4 स्पीकर या पार्किंग कैमरा आता था, जबकि जो नया वाला है इसमें आपको 9 इंच का सिस्टम देखने को मिलता है टच स्क्रीन का, और इसके टच स्क्रीन को अब उठा के थोड़ा ऊपर कर दिया गया है जिस वजह से ये थोड़ी नए जमाने की फीलिंग देती है। ओवरऑल आपको कौन सी गाड़ी का इंटीरियर पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताऊंगा, पुराने स्विफ्ट में रियर एसी वेंट नहीं आता था जबकि नए वाले में दिया गया है। सेफ्टी की बात की जाए तो देखिए पुरानी स्विफ्ट में सिर्फ 2 एयरबैग्स नजर आते थे जबकि नई वाली स्विफ्ट में आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे सेफ्टी स्कोर्स की बात की जाए तो डेफिनेटली पुरानी वाली स्विफ्ट बहुत खराब परफॉर्मेंस की थी, तो होप करते हैं कि नई वाली अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। हालांकि अभी तक इसकी सेफ्टी टेस्ट नहीं हुई है तो बता नहीं सकते क्या यहाँ पे सेफ्टी रेटिंग है, पुरानी वाला आपके डिस्प्ले पे सेफ्टी टेस्ट है। प्राइसिंग की बात करूं तो यहाँ हाँ जरूर यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी महंगी हुई है। स्विफ्ट जो पुरानी वाली थी ये पेट्रोल में 9 वेरिएंट्स में आती थी, कीमतें शुरू होती थी तकरीबन ऑन रोड 6,80,000 से, टॉप मॉडल 10,20,000 में जाती थी। सीएनजी में कीमतें शुरू होती थी 8,90,000 से, टॉप मॉडल 9,70,000 में आ जाती थी। वहीं नई स्विफ्ट की जो स्टार्टिंग प्राइस वो ऑन रोड आती है करीबन 7,30,000 से, और टॉप मॉडल 10.5 लाख रुपये में चली जाती है।
तो हाँ कह सकते हो 40 से 50 हज़ार महंगी हो चुकी है नई वाली स्विफ्ट, लेकिन आपको कुछ नए टेक्नोलॉजीज भी नज़र आती है, जैसे कि 6 एयरबैग्स हो गए, एक बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम नज़र आ रहा है। साथ ही साथ ये जो स्विफ्ट है, इसका मेन फोकस मेरे ख्याल से कंपनी ने माइलेज पे रखा है, जिस वजह से इसमें एक सिलेंडर को भी कंपनी ने घटा दिया है ताकि ये बहुत बेहतर माइलेज दे सके। हालांकि मारुति के इंजन की खासियत बताता हूँ, ये जो केबिन इंसुलेशन होती है, जो केबिन नॉइस होती है, बहुत अच्छा मैनेज करते हैं और ये काफ़ी रिफाइंड इंजन भी इनका होने वाला है। ओवरऑल दोस्तों, आपको पुरानी स्विफ्ट ज्यादा पसंद आती है या फिर नई स्विफ्ट, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय लिखें। और भी ऐसे ऑटो कंपेयर के लिए सब्सक्राइब करें ऑटो कंपेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।